कुछ यूनिक करना था ना, पानी पूरी सब करते, दीदी की पानी पूरी, मासी की पानी पूरी सब चलता है, पर मुझे उत्सव को ब्रांड बनाना है, मतलब ऐसा सोचा है कि नेक्स्ट ईयर मैं सबको फ्रेंचाइजी दूँ। वॉक करने आता हूँ तो इनके गोले खाता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। कौन सा गए? ब्लूबेरी ऑरेंज दिख रहा है वैसे दांतों में। क्या नाम है आपका? महेश मोतियानी, गुजरात से सोया नहीं हूँ कल रात से। बड़ा लंबा नाम है। यहाँ हम चॉकलेट खा रहे हैं और एवरी टाइम अलग अलग फ्लेवर खाते हैं, राजभोग भी है, माजा भी है, सब अच्छे हैं सब। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी मैम, मैंने नया स्टार्टअप किया है। मेरे शरबत ऑर्गेनिक नेचुरल है और मिश्री के शरबत है, खड़ा शाकर बोलते हैं इसको गुजराती। फेमस मेरी जो रबड़ी है होममेड है, मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरा जो सिरप है ना सर, उससे गला नहीं पकड़ता है, इसमें सैक्रीन जो बोलते हैं वो 0% है। आपके कपड़ों पे ये ड्रॉप्स गिरेगे शरबत के लिए, नेक्स्ट डे आप जब वॉश करते हो वो दागे नहीं रहते, मतलब इतना नेचुरल और ऑर्गेनिक है। ओके, और हमारा आइस मिनरल आइस है आरओ का, 1 month हो गया, मतलब इसी साल स्टार्ट किया। हाँ, मेरा दूसरा वर्क है, हम मेरा टेक्सटाइल डिजाइनिंग का वर्क है वो मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। 2 years से मेरे को ये बिजनेस करना था, ये पूरा स्टार्टअप मेरे कजिन ने करवाया है मेरे साथ रह के, और मेरे जीजू ने, मेरे जीजू राजकोट से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और आपको पता होगा सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ के लोग इसमें फेमस है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मतलब कोई भी काठियावाड़ के गोले वाले, मतलब जो परफेक्ट है वो अपने को ओपन हार्टली सब बता देंगे, ऐसे नहीं कि ये हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं। बहुत सही। और आपको एनी टाइम हेल्प चाहिए तो कॉल भी करना, ऐसे बोलते हैं। मटका गोला, मटका गोला। चलो भाई कुछ नया देखते हैं आज, मटका गोला तो शायद बहुत जगह देखा होगा लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह से बनाते हैं, तो स्पेशल हम कवर करने आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले उसमें मलाई डाल दी। हाँ सर। उससे क्या होता है, गोला चिपकता नहीं है सर। तो कौन से फ्लेवर आएंगे उसमें? चॉकलेट में सर मैं चॉकलेट सिरप डालती हूँ, शरबत जो बोलते हैं पहले, ये पहले चॉकलेट का शरबत आ गया। फ्रेश मलाई, ये मलाई आ गई, होममेड रबड़ी, शुगर फ्री रबड़ी है। अच्छा, शुगर फ्री रबड़ी है, और ये मैं घर पे बनाती हूँ। इसके बाद कोकोनट आ गया। वापस चॉकलेट, देन अगेन थोड़ा बर्फ फील होगा। अच्छा, वापस उसमें बर्फ फील होगा। उसके बाद वापस चॉकलेट, अपने जो चॉकलेट कोटिंग डाला ना बीच में, वो चॉक बार कोटिंग टाइप होता है, वहाँ पे वो फ्रीज हो जाता है, तो नीचे का गोला मेल्ट नहीं होता है। बहुत गहरी सोच रख के उसके बाद कुछ इन्वेंशन आपने किया हुआ। बहुत वर्कआउट किया था सर मैंने ये शुरू करने से पहले, 2 साल से कर रहे थे ऐसे तो। उसके बाद उसमें चॉकलेट स्टिक्स, किटकैट, चॉकलेट, ये चीज बच्चों को बहुत पसंद है। देन इसके ऊपर जाएगा चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम, हाँ। उसके ऊपर वापस चॉकलेट सिरप, यस। उसके ऊपर मलाई, वो क्या थोड़ा डार्क शेड होता है, इसके ऊपर व्हाइट डालते हैं तो थोड़ा दिखता है। अपने पहले आंखों से खाते हैं फिर मुंह से खाते, बिकॉज ऑफ आंखों से अच्छा लगेगा तो ही अपने ट्राई करेंगे। सही बात है। चलो ये रेडी हो गया, देखो भाई अपना रेडी हो चुका है चॉकलेट वाला मटका गोला। अरे वाह, देखो कहाँ से खाएं, बहुत अलग अलग तरह की चॉकलेट्स डाली हुई है, उसके ऊपर आइसक्रीम भी है, तो अपने गोला ही ट्राई करते हैं मेन। हाँ, एक और बार। मेन चीज ये है कि पिघलता नहीं है, मैम ने जैसे बताया कि बीच में जो कोटिंग किया होता है चॉकलेट का वो जम जाता है, तो नीचे का जो बर्फ होता है वो पिघलता नहीं है, आप ऊपर का आराम से खा सकते हो। स्पेशली अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर, कैडबरी फ्लेवर पसंद है तो एक बार ये मटका वाला गोला भाई जरूर ट्राई करें। अहमदाबाद के कोई से भी कोने से देख रहे हो, लेकिन भाई ये वाली चीज हमने अहमदाबाद में पहली बार देखी है, पहली बार खाई है, जो मैम ने बोला खड़ा शाकर वाला और मिश्री वाले सिरप बनाते हैं, तो ये गोला एकदम अलग है।
आपने शायद अहमदाबाद में ये वाला चॉकलेट गोला आपने कहीं नहीं खाया होगा। मैं स्पेशल रिकमेंड करता हूँ इनका मटका गोला। 8 बजे शुरू करते हैं, रात के 2 बजे तक हम इधर होते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट अवसर पार्टी प्लॉट के बाजू में, बिल्कुल अहमदाबाद। हाँ जी अहमदाबाद। ओके, आई होप आपको हमारा ये वीडियो काफी बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली जिनके साथ आप रेगुलर गोला खाने जाते हैं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी नए शहर में, किसी नए स्ट्रीट फूड वेंडर की स्टोरी के साथ, काटेवाड़ी दाल के साथ, या तो ऐसे ही किसी अतरंगी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।